तो देखिए अभी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें देखिए वोटिंग प्रतिशत हमने आपको दिखाया और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। सुबह जो वोटिंग प्रतिशत आ रहे थे वो थोड़े कम दिख रहे थे, लेकिन अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बड़े कद्दावर नेता भी देखिए उतरे यहाँ पर मतदान करने के लिए। उन्होंने लोगों से अपील की है प्रियंका की घरों से बाहर निकले और वोटिंग करे, उसी का नतीजा देखिए देखने को मिल रहा है। वोटिंग प्रतिशत अब बढ़ता जा रहा है, जरूरी भी है। न्यूज 18 राजस्थान भी एक बार फिर से आप सभी से अपील करता है कि आप घरों से बाहर निकलिए, पोलिंग बूथ तक पहुंचिए और अपने मतों का प्रयोग करिए। बड़ी खबर सामने आ रही है चित्तौड़गढ़ से, बेंगू विधायक राजेंद्र बिधूड़ी को वोट मांगना भारी पड़ गया। मतदान के दौरान बिधूड़ी को जनता ने भगा दिया। रावतभाटा इलाके में वोट मांगने के दौरान उन्हें दौड़ा लिया गया। जनता ने नारेबाजी कर जमकर बिधूड़ी का खिलाफत करते हुए वहां पर प्रदर्शन भी किया और उन्हें वहां से भगा दिया। और देखिए बाइक पर बैठे बिधूड़ी ने कूद करके यहां पर दौड़ लगाई है, कार में बैठ करके गांव छोड़ करके यहां पर राजेंद्र बिधूड़ी भागे हैं। देखिए यहां पर वो पहुंचे जनता के बीच और वोट मांगते हुए नजर आए, लेकिन ये उनको उल्टा ही पड़ गया। जनता में इतना रोष देखने को मिला कि देखिए वो यहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनता ने नारेबाजी करके यहां पर दौड़ लगाई और यहां पर बिधूड़ी भागते हुए नजर आए। बाइक पर बैठे बिधूड़ी ने कूद करके यहां पर दौड़ लगाई है, यानी कि देखिए प्रियंका आज जो तस्वीरें हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपके पास समय था, आप जनता के बीच जाते, वहां वोट मांगते, आपने जो कार्य किया है उसके बेसिस पे वोट मांगते, लेकिन आज जब लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं आप जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। आज जनता बादशाह है आयुषी, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं, जब जनता के बीच वो विधायक पहुंचते हैं जिन्होंने 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई, कई वादे किए जाते हैं चुनावी दौर में, लेकिन ये नाराजगी ये आक्रोश जनता में दिखाई देता है तब जब ऐसे विधायक लोगों के बीच वोट मांगने पहुंचते हैं, उनका कीमती वोट उसे लेने के बाद जब वो काम नहीं करते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, और कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है प्रियंका जिसमें ये देखने को मिला है कि विधायक जब पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए ग्रामीणों के बीच में तो वहां पर रोष देखने को मिलता है क्योंकि विधायक वहां पर काम नहीं करते हैं, जनता उनसे बातचीत नहीं करनी पसंद करती है। और अभी जो ये तस्वीर है देखिए, ये बेंगू विधायक राजेंद्र बिधूड़ी जो वोट मांगने के लिए पहुंचे थे लेकिन उनको उल्टा पड़ गया। यहाँ पर मतदान के दौरान बिधूड़ी को जनता से भागना पड़ा है, बाइक पर बैठे बिधूड़ी ने कूद करके यहाँ पर दौड़ लगाई है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह सुबह से ही लगातार वोटिंग जारी है, वोटर में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में कई रोचक और प्रेरणादायी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही है आयुषी। बिल्कुल प्रियंका, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा भी परिवार सामने आया जिसमें 4 पीढ़ियां एक साथ वोटिंग करने के लिए बूथ पर पहुंची। 94 वर्षीय तारा देवी अपने बेटे पोते और पोती के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंची। तारा देवी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले 1952 में वोटिंग की थी और तब से आज तक लोकतंत्र में अपनी भागीदारिता निभाती आ रही है। और ये वो खास तस्वीरें हैं आयुषी जहां पर बुजुर्ग भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, ये उत्साह है उनके अंदर क्योंकि इस बार तो उन्हें सुविधा मिली थी होम वोटिंग की। हाँ। लेकिन होम वोटिंग ना लेते हुए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं बुजुर्ग। हो रही है ऐसे में एक अनूठी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा परिवार है जो अपनी पूरी 4 पीढ़ियों के साथ वोटिंग करने जा रहा है और हमारे साथ इस परिवार की मुखिया तारा देवी जी हैं जिन्होंने 1952 में अपना पहला वोट कास्ट किया था। आज आप 2023 में वोट डालने जा रहे हैं, पहला वोट आपने कब डाला था? 1952। देखिए बोल नहीं पाते हैं लेकिन वोट की ताकत समझते हो आप क्या है? बहुत बढ़िया है साहब। हाँ। क्या कुछ कहोगे राजस्थान के वोटरों को? अच्छे कहेंगे और बढ़िया कहेंगे। आपके साथ कौन कौन वोट डालने आया है? मेरे पोता, परपोता, पोती और वो बेटा, बहू, पोते की बहू, सब आई है साहब, पोती। अरे आपको यहाँ पे वोट डलवाने के लिए कौन लेके आया है? आपकी बहू लेके आई है या पोते की बहू? पोते की पप्पड़ पोती लेके आई है। अच्छा। तो देखिए ये थी हमारे साथ बुजुर्ग अम्मा, क्या कुछ कहेंगे सर? पूरा एक परिवार 4 पीढ़ियां एक साथ वोट डालने जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है और हमारी मदर को ये च्वाइस मिली थी कि वो घर से वोट देवे, लेकिन मदर ने कहा नहीं मैं वहां जाके वोट करूंगी ताकि मैं आज के युवाओं को ये समझा सकूं कि सब वोट करें, जब मैं 96 साल की वोट कर सकती हूं तो आप लोग वोट करने क्यों नहीं आ सकते हो।
तो अम्मा की तरफ से सबकी अपील यही है, सभी वोट करें और रिकॉर्ड बनाए 100% वोटिंग का। अम्मा, जब ये जो तस्वीर चुनाव आयोग देखेगा तो उसे लगेगा कि वो आपके घर तक नहीं पहुंचा, क्या चुनाव आयोग की टीम आपके घर आई थी वोट लेने के लिए? आई थी। हाँ। आपने क्या कहा कि मैं वोट जाके करूंगी खुद? हाँ, हाँ। बुजुर्ग अम्मा है, अपने आप में एक देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को ये मैसेज देती हुई नजर आ रही है कि वोट की क्या कुछ ताकत है, और अपनी चार पीढ़ियों को लेकर एक साथ यहां पर पहुंची है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शरत मिश्रा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वोट की ये ताकत है जिसे बुजुर्ग अम्मा भी समझ रही हैं, 96 साल की हैं, घर पे होम वोटिंग की सुविधा भी मिली, लेकिन बावजूद इसके वो पोलिंग बूथ पर पहुंची। ये है लोकतंत्र की मजबूती। आप भी घर मत बैठिए, जरूर जाइए और अपने मतों का प्रयोग करिए, ये मौका है आपके पास। बिल्कुल, लोकतंत्र का ये महापर्व प्रियंका, और देखिए तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत भी